नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो रीट लेवल सेकंड के परिणाम से संबंधित है। आज हाई कोर्ट में रीट लेवल सेकंड की जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है और कमलेश कुमार मीणा की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया गया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 1-2 दिन में रीट लेवल सेकंड का परिणाम है वो जारी कर देगा। ये बेरोजगारों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। इस भर्ती से 28,000 बेरोजगारों का भविष्य बनेगा। उपेन यादव जी के प्रयासों से लगातार जो हाई कोर्ट में सुनवाई थी वो जारी थी और अंत में फैसला है वो बेरोजगारों की ओर ही हुआ है। 1-2 दिन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इसका परिणाम भी जारी कर देगा। कोर्ट ने लेवल 2 का परिणाम जारी करने से हटाई रोक। रीट लेवल 2 को लेकर आया फैसला। हमारे एक और संघर्ष की हुई जीत। रीट लेवल सेकंड के बेरोजगारों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाई कोर्ट ने कमलेश कुमार मीणा की जो याचिका है उसको खारिज कर दिया है। रीट लेवल सेकंड 2018 के 28,000 बेरोजगारों की जो नियुक्ति है उसका रास्ता है वो खुल गया है। कल या परसों तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रीट लेवल सेकंड का परिणाम जारी कर देगा और उसके कुछ ही दिनों बाद यानी 1-2 दिन में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर के द्वारा रीट लेवल सेकंड की जो विज्ञप्ति है वो जारी कर दी जाएगी। दोस्तों आखिरकार बेरोजगारों की जीत है वो हो चुकी है। 1-2 दिन में परिणाम आ जाएगा और जल्दी ही भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी भी हो जाएगी। पूर्णतया रोक हट चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय भारत।